नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी के चकिया पुलिस ने आज एक बड़ी कार्यवाही की है, जहां उसने दो ट्रक व एक पिकअप पर लड़ी सैकड़ों कार्टून में रखी हजारों लीटर अंग्रेजी ब्रांडेड शराब को जब्त करने में भारी सफलता हासिल की है। चकिया पुलिस ने ये कार्यवाही थाना क्षेत्र के बारा गोविंद गाँव के सरेल से तीन वाहनों पर लदे शराब, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है, को जब्त किया है। जब्त शराब दो ट्रक, जिस पर सैनिटरी का आइटम लदा हुआ था। तस्कर उसकी याद में हरियाणा से शराब की इस बड़ी खेप को चकिया में गिरवा रहा था, जिसे बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक चकिया पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि जिले के बरागोविंद गांव में शराब की एक बड़ी खेप जो हरियाणा से चलकर आई है, तस्कर उसे ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद चकिया पुलिस ने उप क्षेत्र में घेराबंदी कर धावा बोला, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। लेकिन पुलिस ने दोनों ट्रक व एक और एक पिकअप को कब्जे में लेकर जब जांच की तो उसमें भारी मात्रा में शराब को बरामद किया, जिसके बाद चकिया पुलिस ने तीनों गाड़ियों को अपने साथ चकिया थाना लाई व ट्रक के तहखाने व पिकअप से 544 कार्टून में रखे सैकड़ों बोतलों में रखे कुल 4841 लीटर शराब को बरामद किया है। चकिया पुलिस के इस एक्शन के बाद जहां तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है, वही नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक व अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की घोषणा के बाद ये बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तीनों गाड़ियों पर से पुलिस ने लगभग 12,000 बोतल शराब, जिसमें रॉयल प्लेयर ब्रांड की 4,806 लीटर शराब, जिसमें सिग्नेचर ब्रांड के 750 ml की 12 बोतल भी शामिल है, सभी शराब अरुणाचल प्रदेश की बताई जा रही है। ट्रक के ऊपर सैनिटरी का सामान लदा था और अंदर तहखाने में इतनी बड़ी शराब की खेप लड़ी हुई थी। आज दिनांक 14/12/2021 को 12 बजे रात्रि में एक अज्ञात टेलीफोन नंबर से मेरे सरकारी नंबर पर सूचना दी गई कि बारा गोविंद पुल के पास एक बड़े ट्रक से शराब उतारा जा रहा है। इस सूचना पर हमने गश्ती दल में शामिल परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार को इस पर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया। इन्होंने अपने साथ परिवीक्षमान अवर निरीक्षक अनुज कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सुरेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक असलम अंसारी एवं थाना के सशस्त्र बलों को साथ लिया तथा बारा गोविंद पुल से पश्चिम दिशा में करीब 2 किलोमीटर अंदर एक खेत में एक ट्रक को लगा हुआ पाया तथा इन्होंने मुझे सूचित किया कि वहां पर एक ट्रक लगा हुआ है और वहां पर दो अन्य छोटी गाड़ियां, एक पिकअप वाहन और एक मैजिक भी लगा हुआ है, जिसके बाद मैंने इन्हें सतर्कता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसके बाद छापामारी दल में शामिल सभी पदाधिकारी एवं फोर्स ट्रक एवं उन गाड़ियों को घेर कर जब छापामारी किए तो वहां पर काफ़ी मात्रा में कार्टून में पैक विदेशी शराब की बोतलें पाई गई। जब हम लोगों ने घटनास्थल पर जब्ती सूची बनाया तो ट्रक एवं वहां पर लगे दोनों गाड़ियों में कुल मिलाकर 544 कार्टून में लगभग 4800 लीटर शराब जब्त किया गया। घटनास्थल के पास जो भी लोग इस अपराध में शामिल थे वे अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। उसके बाद पुलिस दल के द्वारा जब्त शराब एवं तीनों गाड़ियों को थाना लाया गया तथा उचित कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए अपने वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया। गाड़ी के छत पर टॉयलेट सीट लोड है, जिसकी संख्या लगभग 500 पीस है। उसमें कुछ चावल के भुंजे हुए चावल, जिसको मूरी भी कह सकते हैं, उसके कुछ बोरे भी पाए गए हैं। पूरे प्रकरण को देखने से लगता है कि एक प्लांट बे में इस दारू को